गाइस कैसे आप सब लोग। आज हम खेलने वाले थीव सिमुलेटर पार्ट 2। इससे पहले अपन पार्ट 1 खेल चुके हैं और पार्ट 1 जब मैंने खेला तो आपने इतना सारा प्यार दिखाया कि फिर मैं सोचा अब तो अपने को पार्ट 2 खेलना ही पड़ेगा। तो आज अपन खेलने वाले पार्ट 2। और भाई मैंने सुना है थीव सिमुलेटर पार्ट 2 में अपने को वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो अपन ने पार्ट 1 में नहीं देखी। तो फटाफट से गेम में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है पार्ट 2 में बिना किसी रबिश के। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने गेम के अंदर और ये जो आपको सामने घर दिख रहा ये है मेरा घर। इस घर के अंदर अपन प्लान बनाएंगे कि मेरे को चोरी कहाँ करनी है। तो फटाफट से घर के अंदर चलते हो। मुझे भाई लिटरली ये घर कुछ ज्यादा ही शानदार लग रहा है ना भाई। इसमें फर्नीचर सब होके रखा है और अंदर से तो भाई बहुत सारा अच्छा है। और वैसे भाई इसके अलावा यहाँ पे एक लैपटॉप है जिसको अपन यूज कर सकते हैं लेकिन बाद में यूज करेंगे, अभी थोड़ा घर तो एक्सप्लोर कर ले। वैसे भाई इसके अलावा यहाँ पे किचन भी है और भाई बेडरूम का है, बेडरूम देखना है मेरे को। मेरी वाइफ है क्या? नहीं यार भाई यहाँ पे कहीं भी बेडरूम नहीं दिख रहा। चलो छोड़ो भी, अपन एक काम करते हैं लैपटॉप में चलते हैं और लैपटॉप में देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं। और वैसे भाई यहाँ पे मैं जैसे ही लैपटॉप में आया यहाँ पे अपने को डार्क ब्राउजर में अपने को चार ऑप्शन दिख रहे। एक स्टील गियर, सेकेंड है रॉब टिप्स, थर्ड है ब्लैक मार्केट और फोर्थ है डार्क बैंक। गाइस यहाँ पे चार ऑप्शन है जिसमें पहले ऑप्शन में अपन टूल्स परचेस कर सकते हैं। मान लो अपने को कोई चोरी वोरी का टूल चाहिए तो वो अपन परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे रॉब टिप्स में अपने को कहाँ चोरी करना है वो ये बताएगा। और तीसरा है ब्लैक मार्केट। भाई ये ब्लैक मार्केट में अपन गन वगैरह परचेस कर सकते हैं, लास्ट टाइम करी थी ना तो वैसे अपन कर सकते हैं। उसके भाई इसके अलावा ये बैंक है जिसमें बता रहे हैं मेरे पास $5,000 है। चलो ठीक है, $5,000 इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है भाई। तो अभी अपन ये काम करते हैं, अभी अपन फालतू की चीज़ें छोड़ते हैं, अभी अपन रॉब टिप्स में चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहाँ चोरी करें। और वैसे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रॉब टिप्स में। यहाँ पे मुझे बता रहा है एक अबेंडेड कार है जिसको अपन चोरी कर सकते हैं और वो रखी है हिल साइड पे। हिल साइड में एक कार रखी है जो कि अनलॉक है, मतलब उसको अपन 2 मिनट में चोरी कर सकते हैं। तो कर ले क्या चोरी। और वैसे भाई एक सेकंड, अच्छा गाइस मुझे इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए $25 देने पड़ेंगे। चलो ले लेते हैं यार भाई इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले ली $25 दे के। अब ये मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है यू नीड बाइसाइकिल टू गो फॉर लूट। अच्छा मेरे को एक बाइसाइकिल चाहिए क्योंकि देखो भाई मैं जहाँ पे भी चोरी वोरी करने जाऊंगा ना उसके लिए मेरे को एक बाइसाइकिल चाहिए रहेगी। तो यहाँ से ये बोल रहा है पहले तुम एक कार लूट लो, उसके बाद तुमको जहाँ चोरी करना है कर लेना। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को कार दिख गई है, इस कार को अपन चोरी करके जहां पे भी अपने को चोरी करने जाना है वहां पे इस कार को लेके जाएंगे। चलो बढ़िया। और वैसे भाई ये बोल रहा है देयर इज अबेंडेड रेड कार एट स्टील साइड विद नो लॉक। गाइस यहां पे एक कार है जिसमें कोई भी लॉक नहीं है, तो गेट द कार एंड चेंज नंबर प्लेट। ये बोल रहा है ये कार उठा लाओ और उसकी नंबर प्लेट चेंज कर देना। चलो ठीक है, तो अपन भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं चैलेंज। ठीक है गाइस मैंने यहां पे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी अपन भाई सीधे हिल साइड में चलते हैं और वो कार को लेके आते हैं। भाई वो कार को अगर मैं ले आया ना तो कहीं भी मेरे को चोरी करने जाना ना तो मुझे पैदल नहीं जाना पड़ेगा, अपन सीधे कार में बैठेंगे और चल चलेंगे। और भाई ये देखो ये हिल साइड, यहाँ पे ये वाला घर लग रहा है जो कि अंदर मालिक रहता है, इस मालिक की ये वाली कार है, इसको अपने को चोरी करना है। तो फटाफट से अपन गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, सीट इन द कार, बैठो। ओके गाइस आप देख सकते हो मैं कार में बैठ चुका हूँ, फटाफट से इस कार को लेके चलते अपने घर के साइड में। तो जैसे मैं इसको घर के साइड में रख दूंगा इसके अपन नंबर प्लेट चेंज कर देंगे जिससे ये आसपास वाले मालिक को पता नहीं चले कि मैंने चोरी करी है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे गाड़ी कर दी है पार्क। अब अपने को इसकी नंबर प्लेट चेंज करनी है ना, अपन को इसकी नंबर प्लेट चेंज करनी है। तो अभी अपन फटाफट से इसकी नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। वैसे भाई इसकी नंबर प्लेट चेंज करने के लिए अपने को देना पड़ेंगे $100। भाई कुछ ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, चलो ठीक है दे ही देते हैं यार। भाई नंबर प्लेट चेंज करनी तो देने पड़ेंगे। और वैसे भाई इसकी नंबर प्लेट का नंबर भी मेरे को सेट करना है। भाई RTO वाले सेट करते थे भाई, मेरे को लग रहा है इस गेम में मैं ही RTO हूँ। तो भाई क्या सेट करूँ उसका, 1-2-4, 4-2-1। भाई नहीं मिस सकन, अरे नहीं यार भाई मजाक मस्ती नहीं चल रहा। 1-2-4, ठीक है 1-2-4, ठीक है। मैंने 1-2 लिखते ना 1-2-4। ओके गाइस मैंने यहाँ पे सेट कर दी 1-2-4। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कार की नंबर प्लेट सेट कर दी है, देखो 1-2-4। अबे यार भाई क्या गजब नाम रखा है। अब ये जो अपनी गाड़ी है ना जिसका नाम है 1-2-4, इसको अपन कहीं भी लेके जा सकते हैं जहाँ अपने को चोरी करनी है। तो अभी अपन फटाफट से वापस से चलते हैं अपने लैपटॉप में और देखते हैं कि अब मैं कहाँ चोरी करने जाऊँ, क्योंकि देखो वो लैपटॉप की मदद से अपन कार लूट के लिए अब घर भी लूट लेते भाई, पैसा भी मिल जाएगा ना, आज पैसा मिलना चाहिए अपने को। तो अभी अपन सीधे चलते हैं लैपटॉप में और देखते हैं अब क्या लूट सकता हूँ मैं। और वैसे भाई अब मेरे को दिख रहा है अबेंडेड हाउस, ये घर है जिसमें कोई भी नहीं है, अबेंडेड मतलब कोई भी नहीं है, इस घर में कोई भी नहीं है। तो इस घर को अपन लूट सकते हैं और इस घर को लूटने के लिए $50 देने पड़ेंगे। तो $50 दे देते जिससे इंफॉर्मेशन दे देगा मेरे को बाय
अरे हो जा ठीक है। तो गाइस मैंने इसको बाय कर लिया है, अब ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है हाउस इज एम्प्टी। गाइस ये बोल रहा है कि हाउस में कोई भी नहीं, यानी लड़का लड़की परिवार कोई भी नहीं, सब घूमने गए हुए हैं। तो भाई मेरे को चोरी करने में आसानी होगी। और ये बोल रहा है कि टू इनफ स्टीलिंग, यानी इतना सामान है कि तुम आराम से लूट सकते हो और बढ़िया। और वैसे भाई इसके अलावा ये बोल रहा है कि तुम्हें एक टूल की नीड लगेगी जिसका नाम है टॉर्च, क्योंकि देखो अंधेरा होगा, सब फैमिली गई हुई है तो लाइट गई है, तो अपन टॉर्च परचेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, टूल सेक्शन में चलते हैं और टॉर्च परचेज कर लेते हैं। टॉर्च किससे की यार, $50 की ना, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टॉर्च परचेज कर ली है, कर ली ना, हाँ गाइस मैंने यहाँ पे टॉर्च परचेज कर ली है। तो अभी अपन सीधे कार में बैठते हैं और सीधे चलते हैं वो अबेंडेड हाउस में, और उस अबेंडेड हाउस में अपन लूट करना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ है भाई अपनी कार, देखो गाइस ये 124 कार। तो फटाफट से अपन ये 124 कार में बैठते हैं और सीधे वहाँ पे चलते हैं। वैसे भाई कहाँ से जाना है मेरे को, एक सेकेंड मैप से, अच्छा भाई मैप दिख रहा है। तो अभी अपने को भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा सीधा जाना है, उसके बाद अपन ले लेंगे लेफ्ट। ओके ओके, तो फटाफट से अपन भाई इधर से ले लेते हैं टर्न और सीधा सीधा चलते हैं, उसके बाद लेना है। अरे भाई कार नहीं ठोकना यार, हाँ फालतू में अपने को रिपेयर करवाना पड़ जाएगा। वैसे भाई यहाँ से लेफ्ट लेना था, पीछे लो मेरे को लेफ्ट लेना है। तो ऐसे अपन ले लेते लेफ्ट, ठीक है अपन ने लेफ्ट लिया। अब अपन सीधे जान देते गाड़ी को, चलो चलो चलो। वैसे भाई मेरे को लग रहा है ये अबेंडेड हाउस बहुत ज्यादा ही दूर है यार, लिटरली मैं चले जा रहा हूँ 124 को चलाया जा रहा हूँ लेकिन आ ही नहीं रहा मेरे को कहाँ जाना है। अच्छा मेरे को ब्रिज चढ़ना है, अरे भाई मेरे को पंप पे ब्रिज चढ़ना है। चलो चलो बढ़िया, अपन ब्रिज चढ़ गए। वैसे भाई नीचे पानी है रे, आराम से गाड़ी चलानी है। हाँ तो भाई मेरे ऐसे उल्टे काम है कि मैं पानी में कुदाई दूँ गाड़ी। वैसे भाई है कहाँ अबेंडेड हाउस, अरे यार कहाँ फंस गया मैं, इसको थोड़ा पीछे लो। हाँ जान दो भाई अबेंडेड हाउस कहाँ है। ओके गाइस आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अबेंडेड हाउस में ऑलमोस्ट आ चुका हूँ। और वैसे भाई लिटरली ये अबेंडेड हाउस है कि महल, भाई इससे अच्छा अबेंडेड हाउस नहीं देखा भाई। मेरे को पक्का लग रहा है इसमें बहुत अच्छी लूट होने वाली है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एंटर द हाउस, तो अपन फटाफट से अंदर चलते हैं। वैसे भाई क्या हो गया, कहाँ फंस रहा हूँ यार, जान दो मेरे को। हाँ ठीक है गाइस, आप देख सकते हो अपन अंदर आ चुके हैं, इस डोर को खोलते हैं। ठीक है गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डोर खोल दिया है। वैसे भाई यहाँ पे अपने को ये ग्रीन कलर का मार्क दिख रहा है, इसकी मतलब इसका जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पे अपने को इतनी सारी लूट है जो कि लूटनी है। तो अपन भाई इसको उठा लेते, भाई इसको उठा दो, अरे उठा दो ना, क्या हो गया भाई उठा दो। चलो ठीक है गाइस मैंने एक चीज उठा ली, इसको भी उठा लेते भाई, जो जो चीजें दिख रही है ना सब उठा लेते हैं। बस मेरे को बैग का ध्यान रखना है, मेरा बैग नहीं भर जाए। वैसे भाई ये क्या भाई, पेंटिंग है ना, पेंटिंग उठा लो, ये भी उठा लो, और क्या है भाई ये भी उठा लो, कुछ नहीं छोड़ना अपने को, ठीक है कुछ भी नहीं छोड़ना, सब उठा लो। वैसे भाई कचरा वचरा तो नहीं उठा रहा हूँ ना मैं, पता चला भाई मैं गंदगी साफ कर रहा हूँ। यू डिड द ग्रेट जॉब, गेट न्यू टास्क फ्रॉम पीसी ऐप है भाई, और लूट लेनी है मेरे को गाइस। अरे यार गाइस मेरा बैकपैक फूल हो गया यार, मेरे को और चीज़ें लूटनी थी यार, ऐसा मत करो यार भाई, मेरे को और चीज़ें लूटनी यार, कोई सोना वोना भी लूटना था। गाइस मेरा बैकपैक हो चुका है जिसकी वजह से मैं और लूट नहीं ले सकता, तो अभी अपन यहाँ से चले गया। और भाई मैंने इतना सोचा था कि भाई मैं डायमंड वायमंड लूटूंगा, मेरा बैग ही पूरा फिल हो चुका है। तो अभी अपन एक काम करते हैं सीधे घर चलते हैं, और जितना भी आइटम अपने को मिला है ना उसको बेचना भी अपने को। तो भाई यहाँ से तो निकलो यार, फटाफट से अपन गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि देखो इस घर का मालिक भी आ सकता है, अगर वो आ गया ना तो पुलिस अलग पकड़ लेगी। तो अपन भाई सीधे चलते अपने घर में। तो भाई कहाँ है, कहाँ मेरा घर, इधर की साइड ही होगा कहीं, इधर ले लेते हैं राइट। ओके गाइस मैं आप आ चुका हूँ ऑलमोस्ट अपने घर पे, इधर की साइड है। अरे अरे यार गले जा रहा हूँ, बस ठीक है इधर ही कर देता हूँ पार्क। ओके गाइस मैंने इधर गाड़ी पकड़ दी है पार्क। अब अपन फटाफट से चलते हैं अपने पीसी पे और देखते हैं भाई मैं कैसे अपन वो वाला सामान बेच सकते हैं जो मैं खरीद के लाया हूँ, मतलब खरीद के क्या चोरी करके, भाई खरीद के तो कुछ नहीं लाऊं मैं, हाँ चोरी करके लाया हूँ। सेल स्टीलिंग आइटम इन द ब्लैक मार्केट, ओके यहाँ पे मैं भाई जैसे लैपटॉप में आया ये बोल रहे कि तुम्हें अगर कोई भी सामान बेचना है चोरी वाला तो आप ब्लैक मार्केट में बेच सकते हो। तो अपन भाई सब कुछ बेच देते हैं, ये देखो भाई अपन पेंटिंग लेके आई जिसका प्राइस है $20, इसको बेच देते हैं। और क्या लेके आया मैं, और मैं लेके आया गुड्स ना, इसको भी बेच देते हैं सेल। ठीक है गाइस मैंने गुड्स भी बेच दिए। इसके अलावा डेकोर आइटम लेके आया अपन, $50 का प्राइस है, और तीन आइटम लेके आया ना तो अपने को 150 मिल जाएगा, एक मिल गया, एक और ले लेते और एक और ले लेते, ठीक है 150 अपने को मिल गया। और वैसे कुछ लाया क्या मैं, नहीं यार भाई मैं यहाँ पे जितना आइटम लाया था सब भाई मैंने बेच दिया, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है यार भाई मेरे को एक बैकपैक परचेस करना पड़ेगा। तो अभी अपन एक काम करते हैं टूल्स में चलते हैं, यहाँ पे बैकपैक है क्या, यहाँ पे चेक कर लेते हैं बैकपैक। नहीं यार भाई यहाँ पे कहीं भी बैकपैक नहीं है गाइस, लिटरली मैं यहाँ पे बैकपैक ढूंढ रहा हूँ लेकिन बैकपैक नहीं मिल रहा मेरे को। देखो यहाँ पे पेंटिंग है, सॉर्ड है, टेलीविजन है, जीन्स है, शर्ट है, टिकट है, कूट्स है और शूज है, बाकी भाई यहाँ पे कहीं भी बैग नहीं दिख रहा मेरे को। एक बैग तो दे देते, अगर ये बैग दे देते ना मेरा काम हो जाता भाई,
इनको बैकपैक देना ही नहीं है। और बताइए लिटरली बैकपैक देते ना, मैं क्या करता, बैकपैक अपने पीठ पे टांग के जितना भी आइटम है उसमें डाल लेता। उसके बाद भाई अपन एक घर से करीबन इतना आइटम लेके आते हैं कि आराम से अपन एक ही दिन में अमीर हो जाते हैं। लेकिन भाई अब ये गेम मना कर रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो छोड़ो वैसे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन अपन ने भाई एक कार लूटी, ये वाला घर नहीं मतलब दूसरा वाला एक अबैंडेड हाउस लूटा, यानी अपन ने बहुत सारी चीज़ें की। अब अपन नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जिस भी घर पर जाएंगे ना उस घर से थोड़ा थोड़ा आइटम लेके अपन इस वाली कार की डिक्की में डाल देंगे, उसके बाद बेचेंगे ताकि अपने को पैसा भी ज्यादा मिले। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।